आपको पसंद है नहीं, आपके लिए बना रही हूँ बहुत, और इतना मज़े का लग रहा है कि मैंने सोचा थोड़ा सा इसको कैप्चर करूँ मैं। नहीं मुझे पता है ना आपको पसंद है ये ऑमलेट, और मुझे ये जो है थोड़ा बनता है ना मगज टाइप का जो बनता है, हम लोग को भी हमारे घर में तो कहा जाता था, ससुराल में नहीं कहते, ससुराल में तो कहा जाता है खोगीना, हम लोग तो भी अंडे वाला मगज या ऑमलेट बोलते हैं, ऑमलेट बोलते हैं मगज वाला अंडा या ऑमलेट, लेकिन ससुराल में खोगीना कहते हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को देखा है मैंने, वो उर्दू बोलने वाले वो खोगीना ही, खोगीना ही बोलते हैं वो लोग। और वहाँ पर जो ये चाय पकड़ रही है दूध पत्ती, और यहाँ पे जो है अंडा बन रहा है, और यहाँ पे जो है मुर्ग छोले गर्म हो रहे हैं, गर्म हो रहा है, यहाँ हो रहे हैं मुर्ग छोले गर्म, माशाल्लाह फुल देसी नाश्ता। बस हम लोग अब नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर घर से भी निकलेंगे, वो जल्दी हो रही है आपको जाने की, जाने की जल्दी नहीं है, यहाँ पे निकलते निकलते मतलब शाम हो जाएगी। ये चीज़ ये प्रोफेशनल अंडे वाली आप लोगों को सूप में भी देखा था ना, जैसे सूप में डाला था प्रोफेशनल अंडा, ये चीज़ ऐसे डालते हैं ये उतने प्रोफेशनल और ये चीज़ एक और डाली, ये उतने प्रोफेशनल लोग जो इस तरीके से अंडे डालते, प्रॉपर जर्दी ही टूट रही इसको, यह मिक्स डाल के तोड़ा है जर्दी इंशाल्लाह। अच्छा इसको थोड़ा ना रख देते हैं ढक के, तो और अच्छा बन जाएगा, थोड़ा फ्लफी बन जाएगा। एक अंडा और, नहीं इनफ लग रहा है, नहीं अभी थोड़ा गया ना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखें अब ये दोबारा आया एक और अंडा, ये देखें एक भी जर्दी ब्रेक नहीं हुई है, अंडा अंडा खेल रहे हैं, अंडा अंडा खेल रहे हैं एक भी जर्दी ब्रेक नहीं हुई है। ये करते हैं ऐसे जो प्रोफेशनल लोग होते हैं मैं यहाँ से देख के रेस्टोरेंट होगा, क्या होगा मस्कत, यहाँ तो हमारे चलेंगे भी रेस्टोरेंट, यहाँ तो बड़ा खाया जाता है भाई, होटलिंग तो बहुत ही है यहाँ पे, नहीं यहाँ तो ओपनिंग भी, और यहाँ पे जो मैंने देखा है ना टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, और हमारे देसी खानों का तो वाकई हमारे पाकिस्तानी खाने का, हमारे देसी खानों का टेस्ट तो बहुत है, हाँ ऑयल डलेगा इसमें, स्टिकी हो रहा है। बस चले अब हम लोग नाश्ता करेंगे, यहाँ पे जो है ऑमलेट बस अब दम पे जाएगा हल्का सा, उसके बाद रेडी है ये गर्मा गर्म नाश्ता होगा, अभी नाश्ते में मिलते हैं, नाश्ते में मिलते हैं या नाश्ते के बाद मिलते हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं। और जी आज था ईद का थर्ड डे, और आज हमारी वापसी का दिन था, बस बहुत दिन हमने मज़े कर लिए थे, इंजॉय हो गया था बहुत, ईद सेलिब्रेट हो गई थी, ईद भी ख़त्म हो गई थी समझा, ईद का तीसरा दिन था बस ख़त्म ही था ये, और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। यहाँ पर हम लोग ईद गुजारने के लिए आए थे अपने देवर के घर पर, इस बार हमने जो है ईद सेलिब्रेट करी थी यहाँ पे अपने देवर के घर पे करी थी, क्योंकि हम सब ऐसे ही ना ईद मनाते हैं कि वो लोग ना ईद पे जैसे हमारे घर आ गए थे, हम लोग जो हैं बकरीद में, अब बकर बड़ी ईद आई थी तो हम लोग उनके घर चले गए, तो बस ऐसे ही ना मिलजुल के ईद मनाते हैं, अलग अलग तो हम नहीं करते हैं कि ना जैसे वो लोग अपने घर में हो हम अपने घर में हो, यहाँ हम लोग इस तरह से नहीं करते सेलिब्रेट, हम लोग मिल के करते हैं सेलिब्रेट ईद को। तो खैर जी बस ना आज घर जाने का टाइम था, और शाम तकरीबन शाम ही हो गई थी, नाश्ते वगैरह से फ्री हुए हम लोग, और फिर खाना वाना भी है ना समझे, खाना खाने खाना और नाश्ता एक ही हो गया था, क्योंकि हम लोग सब रातों में इतनी देर देर से सो रहे थे, और सुबह इतनी देर देर से उठ रहे थे, दो दो बजे तक उठ रहे थे, दो दो ढाई ढाई बज रहे थे हम सबको, तो बस वो नाश्ता खाना एक ही होता था। यहाँ पे जो है मैं लियाना की वीडियो बना रही थी, आज ये फर्स्ट टाइम मैडम बैठी थी मेरे बगैर पीछे इस तरह से, वरना ये मेरे बगैर इस तरह से बैठती नहीं है, मैं इसके साथ हमेशा बैठती हूँ, बट है ना ये कि इस बार ये मेरे साथ मेरे बगैर पीछे बैठी थी, और जो थी खुद ना शुक्र है हैप्पी भी हो रही थी कि रोना धोना नहीं करा इसने, वरना ये तो रोती है कि नहीं आप मेरे साथ पीछे बैठो तो मुझे इसके साथ पीछे बैठना पड़ता है। और माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही थी कि मेरे बगैर आज फर्स्ट टाइम पीछे बैठी, तो मैंने ये मोमेंट भी ना कैप्चर किया,
खैर बस है ना, हम लोग यहाँ से घर जाने से पहले जो है यहाँ पे आए थे, मॉल ऑफ मार्ट आए थे, और यहाँ पे मुझे जो है चांद रात में जो मैंने चीज़ें ली थी तो मुझे कुछ चीज़ें चेंज करवानी थी, ये जो थी लियाना की है ना शूज़ वगैरह थे मेरे, कुछ टॉप वगैरह थे, कुछ चीज़ें मुझे चेंज करवानी थी। तो बस है ना ये रास्ते में ही था, ये मॉल हमारे घर के रास्ते में आता है, तो फिर मैंने इनसे बोला था कि हम जो है चेंज करवाते हुए चलेंगे, फिर पता नहीं टाइम मिले नहीं मिले, क्योंकि फिर सबका वही जो है ऑफिस स्टार्ट और फिर सब बिज़ी हो जाते हैं तो फिर टाइम मिलता नहीं है, लेकर भी जाते नहीं है ये। फिर तो बस मैंने इनसे बोला कि आज है ना अभी घर जाने से पहले जो है लेकर चले आप, मुझे चेंज वगैरह कुछ कुछ चीज़ें करवानी है। तो बस हम लोग यहाँ पर आए थे चेंज करवाने के लिए कुछ चीज़ें। एक तो मैं यहाँ पे थी जी चेंज करवाने के लिए, बट यहाँ पे और मुझे इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस नज़र आ रही थी कि दिल चाह रहा था बस ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। वैसे आना नहीं चाहिए भाई ऐसे ही ना फजूल में, विंडो शॉपिंग के लिए भी आना नहीं चाहिए ना चेंज करवाने के लिए ऐसे मॉल में आना चाहिए, वरना दिल होता है बस अब ये भी ले लो वो भी ले लो। खैर बस है ना मैं देख रही थी कि और कुछ है ना मुझे मिल जाए, क्योंकि जो मैंने लिया था ड्रेस उसमें मुझे साइज़ नहीं मिल रहा था तो मुझे उसके जगह दूसरा ड्रेस लेना पड़ रहा था। तो बस मैं वही देख रही थी कि कोई और सी मुझे शर्ट मिल जाए तो मैं वो बाय कर लूँ, क्योंकि जो है जो मैंने लिया था उसमें मुझे साइज़ ही नहीं मिल रहा था मेरा, जो मुझे मैंने वैसे लार्ज ले लिया था मुझे मीडियम चाहिए था तो वो नहीं मिल रहा था। बस मैं यही देख रही थी कि कुछ और मुझे मिल जाए तो बस मैं वो ले लूँ। और यहाँ पर मैं हस्बैंड से बोल रही थी और भी कुछ दिला दे मुझे कुछ, तो कह रहे थे नहीं हवा दिलाऊँगा अब कुछ भी नहीं दिलाऊँगा। खैर जी बस बहुत वैसे हो गई थी शॉपिंग ईद पे, और जो है ईद के बाद जो है अब यहाँ पे मैं देख रही थी कि ईद के टाइम पर जो उन्होंने ना ड्रेसेस वगैरह लगाए हुए थे और जो प्राइसेस लगी हुई थी वो बिल्कुल डिफरेंट था, अभी जो था सबके प्राइसेस मुझे कम भी नज़र आ रहे थे और जो थी वैरायटी और भी अच्छी नज़र आ रही थी। ईद के जो चांद रात के टाइम पर उन्होंने ऐसा लग रहा था कि प्राइसेस जो है सबके हाई हाई कर दिए और ना वैरायटी भी जो थी वो थोड़ी सी ना डिफरेंट थी, अभी इन्होंने और ऐसा लग रहा था अच्छे अच्छे आइटम निकाले। जब भी मेरा दिल हो रहा था कि यार ये और ले लूँ मैं, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, खैर बस लेना नहीं था, बस जो ले लिया था बस वही काफ़ी था अभी तक के लिए, तो क्योंकि बहुत हो गई थी शॉपिंग। और यहाँ पे जो थी स्लीपर्स वगैरह ये भी एक एक है ना रियाल की ना लगी हुई थी, ये भी अच्छी सेल लगी हुई थी उस वक्त नहीं थी जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो नहीं लगा हुआ था, यहाँ पर जो थी अभी एक एक रियाल की इतनी अच्छी अच्छी है ना स्लीपर्स सब ना लाइन से ना सेल में लगी हुई थी, बड़ों के लिए बच्चों के लिए सबके लिए। खैर जी बस अब है ना शॉपिंग वगैरह हो गई थी और चेंज वगैरह भी हमने करवा लिया था जो हमें करवाना था, और लियाना के शूज़ भी चेंज करवा लिए थे। यहाँ पे देखिए ईद सेलिब्रेशन के लिए जो डेकोरेशन हुआ हुआ था वो स्टिल हुआ हुआ, इतना प्यारा लग रहा था, ये जो था गिफ्ट बॉक्स बना हुआ था ये। और फिर वहाँ से रास्ते में हम लोग जो है यहाँ पर रुके रहे थे जूस पीने के लिए, और जी ये देखें आप ये सारे जो है लाइन से खजूर के जो है ट्री लगे हुए थे, और यहाँ पे सारे जो है सारी लाइन से पूरी स्ट्रीट में जो है थे पूरे खजूर के पेड़ लगे हुए थे, और ये सब देख रहे हैं नीचे ये सारे खजूर गिरे हुए थे यहाँ पे, इतनी ऐसे ऐसे खजूर ना गिरे रहते हैं और इतने ज़्यादा ट्री हैं यहाँ पर खजूर के, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं आपको हमारे वाला के नीचे भी जो है वहाँ पर ट्री हैं और वहाँ पर भी ऐसे ही गिरे रहते हैं खजूर वगैरह इतने ज़्यादा तादाद में। अच्छा पहले तो ये आती है, पहले तो बनती खज्जी खज्जी जो होती है, पहले तो वो जो खजूर जो होता है जो कच्चा होता है उस वक्त तो वो उसको खज्जी बनता है, फिर खज्जी बन के ये खजूर बनता है। तो खैर बस खज्जी खजूर जो भी है बस यहाँ पे बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है, ये ऐसे ट्री जो है यहाँ पे आपको जगह जगह मिलेंगे देखने को यहाँ पे, ये बहुत अच्छा है ना लगता है इसको देख कर। हमारे मुल्क में इस तरह से नहीं दिखता है ये ट्री वगैरह ऐसे खजूर के हमारे, और स्पेशली सिंध में तो नहीं है वहाँ पर, बट ये कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि जगह जगह खजूर के पेड़ हैं और है ना वहाँ गिरी हुई होती हैं खजूरें, आप उठा के खा भी सकते हैं ले जाएं आप लोग। और खैर जी बस यहाँ पे जो है मैंने अपना एवोकाडो जो है शेक ऑर्डर किया था, और ये फुल क्रीमी नटी बहुत ही मज़े का था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बहुत अच्छा था। Thank you.
बस जी अब पहुंच गए थे हम लोग घर पे, और घर पर आकर जो है मैंने ये रोटियां बनाई थी, और जो है एमी ने जो दिया था कोरमा, ये बिरयानी, तो बस मैंने बिरयानी गरम कर ली थी और थोड़ी सी रोटियां बना ली थी, और ये कोरमा जो दिया था वो कोरमा गरम कर लिया था। बस हमने इसी से अपना डिनर कर लिया था, और बिरयानी बहुत ही यमी बनी हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई थी चिकन की बिरयानी। और बस हमने यही खाया, खाना वाना खा के जो है हम लोग बस इतने थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे कि बस अब मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और काम वाम करूं। बस खाने से फ्री होके जो है बस हम लोग जो है लेट गए थे सोने होने के लिए। बस बाकी ये जो सामान रखा हुआ था, ये जो हम गए थे उनके घर पे, ऐसा लग रहा था कि हम पत्नी कितने दिनों के लिए गए थे, 1-2 हफ्ते के लिए लग रहा था कि हम 1-2 हफ्ते के लिए गए हैं। वहाँ पर इतना सामान, बच्चे के साथ सामान इतना सारा ना जमा करना पड़ जाता है, लेकर जाना पड़ता है। तो खैर बस अभी मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं ये सारा सामान जो है सब जगहों पे रखूं। अभी बस मैं जाके जो है लेटूंगी, और बस उसके बाद सोने वोने की तैयारी करेंगे हम। बाकी ये जितना भी सारा सामान है ये कल मैं इंशाल्लाह जो है इसको अरेंज करूंगी, सब जगहों पे रखूंगी। बस आप लोग जो है मुझे दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 कीजिएगा, और मुझे लाइक मेरे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्लीज़, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।